ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक जीरो टू रैंकर। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, एमबीबीएस एमडी, एम्स भोपाल। बच्चों, मैंने जो फिजिक्स में जो पहला लेक्चर पढ़ाया था आपको, उस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों? चलो वेरी गुड। चलो बच्चों, पहले सबसे पहले बात करते हैं हम इसके चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना? हमको पढ़ना क्या है, हमको कितना पढ़ना है और कितना हम तक को समझना है, ठीक है ना? बुक्स में तो एनसीईआरटी में तो बहुत सारी लाइंस दी होती है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन हमको जो बोर्ड में जो जो भी बोर्ड देना चाहते हैं बच्चे, उस मैटर पे हमको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले जो लाइट वाला चैप्टर था, आप सब लोगों को पता है लाइट क्या होती है, ठीक है ना? छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? इस वर्क क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो लाइट क्या होती है? सेंसेशन क्रिएट करती है। सेंसेशन क्रिएट कहाँ करती है? आप लोग बोलेंगे सर सेंसेशन क्रिएट कहाँ करती है? तो जो सेंसेशन क्रिएट करती है हमारी आई में, जो जो लाइट आती है, सबसे पहले पॉइंट बोले सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म होता है। जब हमारी आंखों में गिरता है तो हमारी आंखों में कॉर्निया पे, जो हमारी आई होती है, आई के अंदर जो कॉर्निया होती है उसमें सेंसेशन क्रिएट करती है। जैसे ही सेंसेशन क्रिएट करती है वैसे ही हमको इमेज दिखनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमको इमेज ऐसी नहीं दिखती, अगर मान लो कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट सामने हो, ठीक है ना, मान लो हमारे सामने अगर कैमरा है, ठीक है, अगर कैमरा अगर हमको सीधा दिख रहा है तो हमारी कॉर्निया के जो कॉर्निया के जो पीछे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। जो हमारी कॉर्निया की इमेज जो उल्टी बनती है तब हमको सामने ऑब्जेक्ट सीधी दिखाई देती है, ठीक है ना? सबसे पहले लाइट, लाइट के बारे में दो चीजें पता चल गई है। क्या क्या फॉर्म है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या पता चल गया? क्योंकि ये सेंसेशन क्रिएट करती है कॉर्निया में, जिससे हमको सारी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है ना? अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, दूसरा लाइट के बारे में दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है कितनी होती है? लाइट की स्पीड बच्चों जल्दी बताओ, लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है ना, वो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ m/s। कितनी होती है? 3 × 10⁸ m/s। इतनी स्पीड होती है लाइट की। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ m/s की स्पीड से लाइट दौड़ती है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, अब हमको ये भी पता चल गया, लाइट की स्पीड भी पता चल गई, लाइट के बारे में भी पता चल गया, ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं लाइट। लाइट के ड्यूल नेचर शो करती है। लाइट कितनी नेचर शो करती है? डबल नेचर शो करती है। कौन कौन से नेचर शो करती है? पहले तो हमारा पार्टिकल नेचर, दूसरा कौन सा करती है? वेव नेचर। तो पहला अगर हम पढ़े, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर हम पहले से पढ़ लें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में, मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था और लेक्चर सेकेंड में भी हम बात करें पार्टिकल नेचर के बारे में और वेव नेचर के बारे में, ठीक है ना? तो जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये लाइट के दो ड्यूल नेचर होते हैं, इसलिए बोलते हैं लाइट डबल पार्ट डबल फंक्शन परफॉर्म करती है। कितनी फंक्शन परफॉर्म करती है? डबल फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, वेव नेचर की बात करते हैं। और पार्टिकल नेचर जो सबसे पहले जो टर्म दिया पार्टिकल नेचर ने, वो हमारे न्यूटन साहब ने दिया है। जो पार्टिकल नेचर सबसे पहले टर्म न्यूटन साहब ने दिया है। और जो वेव नेचर जो सबसे पहले बोला है कि लाइट वेव नेचर शो करती है, वो किसने दिया है भाई? वेव नेचर हमारे हाइजेंस साहब ने, पहला हमारे न्यूटन साहब थे, ठीक है, न्यूटन साहब थे, दूसरा हमारे क्या थे? हाइजेंस साहब थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे न्यूटन और हाइजेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर, तो हम इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो वेव नेचर होता है ये हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वो वेव ऑप्टिक्स आपके 10th में है नहीं है, वो हमारा 12th का पोर्शन आ जाता है, ठीक है ना बच्चों? तो हम वेव ऑप्टिक्स में की या जो छोटी छोटी चीजें होती है वो भी हम 10th के अंडर में कवर कर लेंगे, जिससे भी जिससे आप जब 12th में जाएंगे, ठीक है, जब आप 12th में जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्या हो? कोई भी परेशानी ना हो वहां पढ़ने में, ठीक है ना? टेंथ का आधा पोर्शन 12th में भी है बच्चों, ये मत सोचना 10th की चीजें भूल जाए तो 12th में हम नई चीजें पढ़ेंगे, नहीं। जब भी आप
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तब भी हम ये भी चीज पढ़ेंगे। इसलिए आपको यहाँ से ही मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा के चलता हूँ, जिससे आप जब ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पहुंचेंगे, जब वेव ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तब आपको क्या करेंगे इन सब चीजों को समझोगे, ठीक है ना। अब हमको टेंथ में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले जो हमको पहली चीज पढ़ना है लाइट। तो लाइट के बारे में तो हमको पता चल गया, ठीक है, लाइट है तो लाइट के बारे में तो हमको पता चल गया लाइट क्या होती है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है हमको, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। और तीसरी चीज जो हमको पढ़नी है, रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, तीन चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। और चौथी चीज होती है, हाँ एक मिनट, जस्ट, डिस्पर्शन। चौथी चीज क्या होती है, डिस्पर्शन। पांचवी चीज पॉलीराइजेशन, ठीक है। तो हमको ये जो डिस्पर्सन और पोलराइजेशन हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके टेंथ में सब चीजें नहीं है, ठीक है ना। ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, जब भी आप ट्वेल्थ में जाओगे तब अब ये सब चीजें पढ़ोगे, या फिर आप मेडिकल से यानी कि नीट की तैयारी करोगे, या फिर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, आईआईटी की इंजीनियरिंग यानी कि आईआईटी जेई का एग्जाम दोगे, तब ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो आप लोगों के सब चीज कट कर देते हैं, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है आप लोगों के बारे में सिलेबस में, ठीक है ना। अब हमको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट तो हमको पता चलेगा, हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ही चलो जल्दी बताइए रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है ना। उससे पहले हम एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसके बारे में, ठीक है, उसका आंसर क्या हुआ। तो कमेंट बॉक्स बॉक्स में आंसर देना क्वेश्चन से है कि जो लाइट होती है वो कितने मीडिया शो करती है, लाइट कितने मीडिया शो करती है, हाउ मैनी मीडिया ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट होती है वो कितनी मीडिया शो करती है, हाउ मैनी मीडिया इन लाइट। आंसर क्या दोगे, कितने मीडिया शो करती है लाइट, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितनी मीडिया शो करती है लाइट, जल्दी। तो अब हम बताने जा रहे हैं, चलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये है, ठीक है ना। अब हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, कितनी मीडिया शो करती है। पहला मीडिया क्या है, रिफ्लेक्शन। दूसरा मीडिया क्या है, रिफ्रैक्शन। तीसरा मीडिया क्या है, एब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तीन मीडिया, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। अब तीनों के मतलब, ये तो आंसर हो गया, क्वेश्चंस का आंसर हो गया कि लाइट कितनी मीडिया शो करती है, तीन मीडिया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ये तो सारी चीजें पता चल गई है ना, ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन सब, अब हमको आंसर पता चलेगा तो हमको आंसर का मतलब भी पता होना चाहिए ना, तभी तो हम सारी कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होंगी। तो हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सी चीज है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सी चीज है ना। मान लो ये क्या है, सन है, क्या है, सन है, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या है, ये हम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये हम है, ठीक है। जो सन से जो रेस डायरेक्ट हमारी आंखों में आई, जो हमको दिख गया, वो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या बोल दिया, सिंपल सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सन से, सन है, सन से जो रे आई हमारी आंखों में पड़ी,
ठीक है, हमारे जब आंखों में पड़ी, हमारी आंखों में सेंसेशन क्रिएट हुआ और हमने सन को देख लिया, हाँ वो सन है, ठीक है ना। मान लो ये हमारे ऊपर ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, ट्यूबलाइट की जो रे मेरे ऊपर पड़ी, अब हमको देखे कि ये ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, यही है ना रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं मतलब, ठीक है। जो भी लाइट रे आंखों में गिरती है उसको, जो भी चीज सामने दिखती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब हम पढ़ते ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का अगर हम सिंपल सी चीज देखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये नहीं है ऑब्जेक्ट कोई, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यानी कि कोई भी चीज हो, नहीं, ऑब्जेक्ट आप पेन मत समझ लेना, ठीक है, पंखा मत समझ लेना, कोई भी चीज मत समझ समझ लेना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे लाइट इमिट हो रही हो, लाइट रे इमिट हो रही हो, क्या बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई चीज जिससे लाइट इमिट हो रही है उसको क्या बोल दिया हमने, ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर फॉर द एग्जाम्पल ले ले, मैं मुझसे कुछ ना कुछ रे बाहर निकलनी होगी ना, मुझसे कुछ ना कुछ रे बाहर निकलनी होगी, तभी तो मैं दिख रहा हूं ना आप लोगों को, तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल। लेकिन डिपेंड ये करता है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूं, डिपेंड क्या करता है, ये करता है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट हूं, तो अब मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताए थे कौन सा ऑब्जेक्ट हूं, तो दो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि टू टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, पहला तो लूमिनस, दूसरा नॉन लूमिनस, समझ में आ रहा है ना, पहला तो लुमिनस, दूसरा नॉन लुमिनस, ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, लुमिनस नॉन लुमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने लेक्चर फर्स्ट में क्या बताया था, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट हो रही हो, ठीक है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट हो रही हो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस, बाहर निकल रही हो लाइट, उसकी बॉडी से लाइट बाहर निकल रही हो उसको, वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके बारे में एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ क्या क्या इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लिया तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा, पहली ट्यूबलाइट जो हमारे सर के ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी है ना, हमारे खोपड़े के ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी है, वो पहला क्या हो गया, ट्यूबलाइट। दूसरा एग्जाम्पल जल्दी बताओ, वेरी गुड बेटा, सन। दूसरा क्या हो गया, सन हो गया। तीसरा क्या हो गया, कैंडल। तीसरा क्या हो गया, कैंडल हो गया। कैंडल से क्या लाइट इमिट हो रही है ना, उसकी बॉडी जो लाइट इमिट कर रही है ना, हो गया ना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये तीनों क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बॉडी से लाइट इमिट हो रही है, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, संजय ल्यूमिनस बता दिया, नॉन ल्यूमिनस तो हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे कि जिस ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कोई भी लाइट इमिट ना हो, ठीक है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कोई भी लाइट इमिट ना हो रही हो उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कोई भी लाइट इमिट नहीं हो रही हो उसको बोलते हैं हम क्या, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का हम अगर एग्जाम्पल देखें, क्या है देखे एग्जाम्पल देखे, तो कौन कौन होगा एग्जाम्पल, सबसे पहले मून, स्टार्स, प्लेनेट और ह्यूमन, ठीक है ना, ये चार हो गए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब बात करते हैं सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो हमको दिख जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शंस के वजह से दिखता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शंस के वजह से ही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमको दिख पाता है। जैसे कि हम फॉर द एग्जाम्पल ले लें, अगर आप लोगों को अगर एक बेहतरीन वे में अगर समझाऊं नॉन ल्यूमिनस के बारे में, ठीक है, तो मैंने अभी रिफ्लेक्शंस के बारे में बताया कि सन से जो रे आई है हमारे से डायरेक्ट आंखों में गिर गई, तो हमको क्या दिख गया, सन दिख गया। अगर हम इसी में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर हम कोई एक कमरे को, कमरे में अगर किसी भी बच्चे को बंद कर दे,
ठीक है ना, उसकी लाइटों को सारों मैंने ऑफ कर दी, ठीक है ना, लाइटों को मैंने सारी क्या कर दी, ऑफ कर दी, तब तुमको कोई बच्चा दिखेगा? पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, बच्चा दिखेगा? नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर मैं मोबाइल की टॉर्च की लाइट को देख देख के बता दूंगा बच्चा कहाँ है, मोबाइल की टॉर्च की। तो बेटा वो जो मोबाइल की लाइट जो जलाओगे ना, तो वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। कोई कोई महानुभाव ऐसे ऐसे होते हैं ना, अपनी बुद्धि एक हाई लेवल पर चला लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज बताते हैं, ठीक है ना। तो उन महान लोगों को बता रहा हूं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। लोगों बहुत जो उससे जो लोअर महान लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो बात हम बात करते हैं, ठीक है। सन क्या हो गया हमारा? ल्यूमिनस हो गया। यहाँ पे अगर चलो मान लो बच्चा, छोड़ो बोलोगे सर बच्चे को क्यों बैठ रहे हो कमरे में, तो आप क्यों नहीं चले गए? चलो मैं ही कमरे में चला गया, ठीक है। क्या हो गया? चलो मैं ही अपने कमरे में चला गया, मैंने अपनी सारी लाइटें को बंद कर लिया, ठीक है। मैंने अपनी सारी लाइटें को बंद करी, खिड़की पे पर्दे डाल दिए, ठीक है ना। कोई मुझको मार ना दे, स्नाइपर, स्नाइपर से कोई मार ना दे, मुझे कौन मारेगा स्नाइपर से, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जब ये पूरा ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक है यहाँ पे, मैंने इसको किसी एक डार्क कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये जो डार्क कमरे में जो बन रही है, ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही सन की रे उस पे, जैसे ही ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस के ऊपर गिर फॉल होती है रे, ल्यूमिनस यानी कि सन, सन की रे किस पे, जो भी डार्क बैकग्राउंड वाला कमरा था उसके अंदर जाती है, तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन वहां से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये जो डार्क बैकग्राउंड में जो जो मैं हूं डार्क बैकग्राउंड में, ठीक है, मैं अपने कमरे में जो डार्क बैकग्राउंड में बैठा हूं शांति से रो रहा हूं, तो वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब सन की रे गिरती है उस कमरे में, ठीक है, तो फिर हम देख पाते हैं, ठीक है, कौन है वहां पे, कौन नहीं है। रो रहा हूं इस गले में, रो लेंगे भूत है जो डर लगने लगा। अबे मैं डरता नहीं हूं भूतों से, ठीक है। समझ में आ रही है? मैं बोल क्या रहा हूं तुमको, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कभी भी घर में प्रैक्टिकल कर लेना, एक बंद कमरे में बंद हो जाना, और खिड़की है जब भी सन निकले तो उस खिड़कियों को खोल लेना, तब आप लोगों को सामने वाला देख सकता है। क्योंकि क्योंकि जब सन सन है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो आप हो तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से ही आप देख सकते हो ना। तो आप लोगों के एक दिमाग में क्लियर हो गया होगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को किस की किस चीज से देख सकते हैं? ल्यूमिनस यानी कि रिफ्लेक्शंस के वजह से ही हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। आप लोगों के ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, समझ में आई? हाँ चलो हम दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कितने लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शंस के लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शंस के लॉ पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शंस के लॉ क्या क्या होते हैं? तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को रिफ्लेक्शंस के लॉ बताए थे, कितने लॉ होते हैं रिफ्लेक्शंस के, तो कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं, ठीक है ना। दो लॉ मैंने समझाए भी थे अच्छे से, कौन दो लॉ होते कैसे, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आर। जो इंसिडेंट रे होती है इक्वल किसके होती है? रिफ्लेक्टेड रे की, ठीक है ना। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है तुम्हारा पहला लॉ, ठीक है ना, पहला लॉ रिफ्लेक्शंस का। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली करा जाए, मान लो ये हमारे पास लेजर लाइट है। बेटा लेजर लाइट है नहीं है, मानना मत, मैंने ऑनली सिर्फ माना है, मैथ की तरह जो मैथ में मानते हैं ना, माना कि एक्स, माना कि वाई, माना कि जेड, ठीक है ना। तो फिजिक्स में माना मानी नहीं होता है, मामा मामी नहीं होता ना, माना मानी होता है। तो ये हम थोड़ा एक अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी? लेजर लाइट। लेजर लाइट है और हमारे क्या है? मिरर है, ठीक है ना। लेजर लाइट है, हमारा क्या है? मिरर है, ठीक है। अगर मान लो मैंने लेजर लाइट को हिट किया, ठीक है ना, क्या किया? हिट किया, हिट करने के बाद वो सीधा रिफ्लेक्टेड हो गई।
इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में बाउंस बैक उसी में हो जाती है। ठीक है, मान लो हम इंसिडेंट रे को 90 एंगल से लेकर के 30 एंगल तक लेके आते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी एंगल पे पहुंच जाएगी? वो भी 30 एंगल पे पहुंच जाएगी। क्यों 30 एंगल पे पहुंच जाएगी? क्योंकि इंसिडेंट रे इक्वल होती है किसके? रिफ्लेक्टेड रे के। यानी कि इसका मतलब है जितना आप इंसिडेंट रे को बढ़ाओगे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बढ़ता जाए। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, मान लो एक पॉलिश्ड सरफेस है। क्या एक पॉलिश्ड सरफेस? ये क्या पॉलिश्ड सरफेस है? ठीक है, इस सन है, सन से इंसिडेंट रे हिट करती है पॉलिश्ड सरफेस पे और वही हिट करके उसी मीडिया में चली जाती है। तो जो हिट करती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अरे यार गड़बड़, अरे यार थोड़ा, हाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये तो हो गया। और बीच में से क्या होती है? नॉर्मल रे। ये क्या है तुम्हारी? इंसिडेंट रे। दूसरी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में क्या है? नॉर्मल रे। ठीक है, अगर मान लो मैंने इंसिडेंट रे का एंगल 60 डिग्री कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, जब मैंने स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था लाइट के बारे में, लेक्चर पहला, ये पीपीटी नहीं थी, विदाउट पीपीटी मैंने पढ़ाया था। लेक्चर डला होगा यूट्यूब पे, आप देख लेना, आप लोग जैसा भी होगा, ठीक है, तो आप लोग देख लेना जैसा भी होगा, वहां पे लेक्चर फर्स्ट मैंने डलाया, अच्छे से समझाया है। ठीक है, मैं तो ये सब आप लोगों को रिविजन करवा रहा हूँ फ्लो फ्लो में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको ब्रेन में रिकलेक्ट होने लगे। ठीक है, जो आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है ना वो ओपन हुए माइंड में, जो हमारे दो चीजें होते हैं ना, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है, ठीक है ना, वो हमारा एक्टिवेट हो जाए जिससे कि हम ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में भरते ना, यानी कि जिसको थिंकिंग एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ाओ लेकिन थोड़ा बायोलॉजी बता दी मैंने, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये तो समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाई करती है सेम प्लेन में। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाई करती है सेम प्लेन, तो सेम ही प्लेन पे कर रही है ना लाइक, एक ही पॉइंट पे। ठीक है ना, अगर मान लो मैंने दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग, मैंने एक मान लो क्वेश्चन रखा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, मैंने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रखा, मैंने बोला चलो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे आपकी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर मान लो इंसिडेंट रे हिट करके रिफ्लेक्ट उसी एंगल पे, से अगर उसका एंगल थीटा था, थीटा एंगल पे अगर इंसिडेंट रे को हम हिट करा रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे निकलने वाली थी, उस निकलने से पहले मैंने उसके एंगल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मान लो 30 डिग्री एंगल पे हिट कर रही थी मैंने, मान लो थीटा एंगल पे, मैं सॉरी थीटा एंगल पे बोल देते हैं, थीटा एंगल पे अगर मान लो हिट कर रही थी, मैंने हिट करके मैंने क्या कर दिया उसको? थीटा एंगल को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, यानी कि सेम प्लेन में लाई कर रही थी, मैंने उसके प्लेन को क्या कर दिया? ऐसा चेंज, पहले ऐसी प्लेन था वो ऐसा प्लेन कर दिया जैसे। तो अब बताओ जब सेम प्लेन में एंगल उसका थीटा था, क्या एंगल था? थीटा। ठीक है, तीनों का एंगल थीटा था, सेम प्लेन में लाई कर रहे थे तो एंगल थीटा था, तब तो हमने उनके एंगल यानी हमने उनके उसके प्लेन को रिफ्लेक्टेड होने से पहले हमने रोटेट कर दिया, तब उस केस में क्या होगा? पहले थीटा था, तब उस केस में क्या होगा? तो फर्स्ट लेक्चर जिसने देखा होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के अगर अकॉर्डिंग जाए, तो पहले एंगल थीटा था, दूसरे एंगल को अगर हमने चाहे हम वो करें रोटेट करें, जब प्लेन को चेंज करें, तब भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। समझ में आ गई? पहले थीटा था, रोटेट करने पर भी थीटा, दोनों को ऐड कर दे क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये आपकी जो वैल्यू होती है ये सेम होती है, चाहे आप जेई मेंस का दो, चाहे आप 12th में बोर्ड एग्जाम दो, अगर क्वेश्चन आता है कितना भी आपको वैल्यू पूछे, अगर ऑप्शन में 2 थीटा है तो 2 थीटा चेक मार के चलाना, अंदर अंदर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 2 थीटा। समझ में आई? 2 थीटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक
चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा रिफ्लेक्शंस हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शंस के लॉ हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिमिनिश्ड रिफ्लेक्शन। डिमिनिश्ड रिफ्लेक्शंस क्या होता है, जिसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बोल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डिमिनिश्ड, सबसे पहले अगर हम डिमिनिश्ड बोल रहे हैं तो आप लोगों के ब्रेन में चल रहा होगा, अरे डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम, ठीक है ना, तो यानी कि कम रिफ्लेक्शंस होता होगा उस केस में। नहीं, बेटा ऐसी चीज नहीं है, हर चीज का वर्ड्स का मतलब अलग अलग होता है, ये फिजिक्स चल रही है, मैथ नहीं, कुछ और नहीं चल रहा है कि माना कि ये मान लिया, ठीक है ना, ये क्या चल रही है, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट एरिया होता है पूरा, ठीक है। तो अगर मान लो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, डिमिनिश रिफ्लेक्शन दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है, डिमिनिश है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन दोनों। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करें, मैंने शायद लेक्चर फर्स्ट में बताया था डिमिनिश्ड रिफ्लेक्शंस के बारे में, अगर किसी को याद हो, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्शंस है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, किसी को अगर याद हो तो आप लोग बता सकते हैं क्या होता है, तो क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, किसी को ध्यान है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में। तो अगर मान लो हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर बोल रहे हैं, क्या बोले, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर हम बोल रहे हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में अगर हम बता रहे हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर मान लो ये सामने क्या है आपका, मान लो सामने एक ट्यूबलाइट है, क्या है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, इसके दोनों एरिया बगल बगल के कोने क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, मान लो एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, बॉल मत समझ लेना, फुटबॉल, ट्यूबलाइट है, ठीक है, फुटबॉल मत समझ लेना, और ये सामने क्या है, हाँ ये ट्यूबलाइट और सामने क्या है, यहाँ पे कैमरा है, ये क्या है सामने, ये स्टैंड है, ठीक है ना बेटा, पेड़ मत समझ लेना, स्टैंड है, बहुत मारूंगा, पेड़ पेड़ समझाता, ये क्या है आपका स्टैंड है, और यहाँ पे क्या लग रख गया आपका कैमरा, ठीक है, ये क्या है आपका कैमरा है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक कैमरा हुआ, ये सामने कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ लो मैं ही, ठीक है ना, किसी बच्चे का नाम लेगा तो मारेगा, और मुझे बोलेगा सर मेरा नाम कैसे ले रहे, ठीक है, ये कौन हूँ मैं, मेरी थोड़ी जो आर्ट होती है ना अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने जैसा बना रहा हूँ वैसा, ये कौन हूँ मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो अगर जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से जो भी रे गिरती है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन से मैंने पढ़ाया था, तो सबसे पहले अगर ट्यूबलाइट की रे है तो अगर उसके फ्रंट में, जस्ट फ्रंट में जैसे कैमरा रखा है, ठीक है ना भाई, मेरे जस्ट फ्रंट में तो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो कैमरा रखा है, ठीक है ना, मैं तो मान लो ये मैं हूँ, ये ट्यूबलाइट है, उसके जस्ट फ्रंट में एक कैमरा रखा है, जो उसकी सबसे पहले रे किस पे गिरेगी बेटा, कैमरे पे गिरेगी, कैमरे पे क्या क्या गिरेगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे लाइट इमिट हो रही हो, अगर उसके फ्रंट में, अगर उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हो, उसके सामने ही सबसे पहले लाइट गिरती है, पर दूसरे के उसमें अगर अगर एरिया अगर मैनेज कर रही है लाइट, तब उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले कैमरे पर अगर लाइट गिरती है, तो कैमरे पे क्या हो गया, कैमरे पे लाइट गिरी, और वो लाइट कैमरे से होती हुई किस पे आई, मेरे फेस पे लाइट आ गई है, ठीक है, जब मेरे फेस पे लाइट आ गई है, तो कैमरे में मैं दिख गया। तो रिफ्लेक्शन कितने बार हुआ, 3 बार, कितने बार हुआ, 3 बार रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन हुआ, पहली राय रे गिरी कैमरे के ऊपर, ठीक है ना, कैमरे से ऊपर जो रे गिरी, पहला रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा रिफ्लेक्शन ये हुआ जब कैमरे में, जब कैमरे की रे मेरे ऊपर गिरी, ये हो क्या होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन। तीसरा रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिससे कैमरे को आप मुझे देख रहे हो, कैमरे के थ्रू आप मुझे देख रहे हो, ये हो गया आपका तीसरा रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर डिमिनिश्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, अब समझ में आ गया, 3 स्टेप्स है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, 3 स्टेप्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस चलती है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। पहला मान लो, पहला मेरे ऊपर गिरा, पहला कैमरे के ऊपर गिरा, तो कैमरे से जो रे आई मेरे ऊपर गिरी, जिससे कि आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है ना, सुनाई तो देगा, क्योंकि मेरे सुनाई तो देगा क्योंकि हेडफोन लगे हुए हैं, ठीक है ना, सुनाई तो देगा ही आपको, लेकिन दिखाई नहीं दूंगा अगर बंद कर दिया गया लाइट को। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो गया, लेक्चर फर्स्ट में देख लेना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को मैंने लेक्चर फर्स्ट में थोड़ा डिटेल में समझाया है, आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वायरी है तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर
इस क्वेश्चंस में मुझे ये समझ में नहीं आया, जिससे कि मैं वहां पे वीडियो अपलोड कर दूं उस पूरे मैटर की जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना? आप लोग कर सकते हैं वो चीज, ठीक है? ये तो हो गया ना ये? हाँ चलो अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया। हाँ अब हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं, रिफ्रेक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहला मीडिया लाइट का जो पहला मीडिया था रिफ्लेक्शंस वो तो खत्म हो गया, अब रिफ्रेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्रेक्शंस क्या होती है, डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे उसकी, ठीक है ना? आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? रिफ्रेक्शंस का मतलब क्या होता है, रिफ्रेक्शंस क्या होता है? रिफ्रेक्शंस का मतलब होता है जब भी कोई लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, यानी कि मान लो ये आपका पॉलिश्ड सरफेस हो गया, क्या हो गया? पॉलिश्ड सरफेस हो गया। जब भी कोई लाइट पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, जब वो पॉलिश्ड सरफेस हिट होती है, तो वो हिट होते टाइम बैंड कर जाती है, जब वो बैंड करती है तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव कर जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम दोबारा से बोल रहे हैं, जब भी कोई लाइट, यानी कि मान लो ये लाइट है, ठीक है, ये इस पे गिरी पॉलिश सरफेस से, पॉलिश सरफेस पे गिरी और ये क्या कर गई, यहाँ पे बैंड कर गई, क्या कर गई यहाँ पे, ये बैंड कर गई। जब ये बैंड कर गई तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर जाती है, यानी कि अगर हम रिफ्रेक्शंस की लैंग्वेज में बोले तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव कर जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्रेक्शन। देखो यहां से गिरी और यहाँ पे बैंड हो गया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली गई, इसको बोलते हैं हम रिफ्रेक्शन। ओके, रिफ्रेक्शन तो छोटा ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर मान लो, ठीक है, और जो हम नेक्स्ट चीज बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर हम तीसरा मीडिया कौन सा है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या मतलब क्या होता है, क्या समझोगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है? एब्जॉर्प्शन यानी कि मान लो कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, मान लिया मैंने ये तुम्हारी क्या है, पूरी एक ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी का सेंटर है, कोई गोला मोमा समझ लेना, ब्लैक बॉडी का क्या है सेंटर, ये पूरी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है ब्लैक बॉडी का सेंटर है। मान लो यहाँ पे लाइट रे गिरी, लाइट रे गिरी, ठीक है, ये कोई भी पॉलिश सरफेस नहीं है, ब्लैक बॉडी कभी भी पॉलिश सरफेस नहीं होती है, ठीक है? मतलब मान लो ये लाइट रे गिरी तो ये बताओ रिफ्लेक्ट होगी कि एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग ऑब्वियसली बोले सर आप एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्ब ही होगी, ठीक है? मान लो ब्लैक बॉडी, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइट रे को एब्जॉर्ब करती है वो करती है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी होती है वो, कम से कम लाइट रे अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम काउंट की जाए, अगर अभी 2012 में, 2012 से लेकर के 2022 तक अगर दोनों के बीच में अगर कंपेरिजन किया जाए, अभी कुछ साइंटिस्टों ने बताया था कि ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कितनी कैपेसिटी होती है, तो निकला था कितना, 45.9%, इतने परसेंट लाइट रे को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। मान लो एक हम उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब करेगी ना तो वो अंदर से हीट होना स्टार्ट हो जाएगी ना, मान लो कोई भी हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसकी बॉडी गर्म हो जाएगी ना। मान लो हम एक आयरन रॉड रख देते हैं घाम में, या फिर उसको किसी हम ऐसे एक हॉट एनर्जी के ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना, तो वो आयरन रॉड के अंदर जो भी पास में जो भी एनर्जी होगी ना वो सारी किसके अंदर हो जाए, एब्जॉर्ब होने लगेगी आयरन रॉड के अंदर। मालूम घाम में रखते थे, धूप में रख देते हैं अगर हम आयरन रॉड को, तो जो आयरन रॉड से जो जो धूप की जो रे आ रही है, यानी जो सन से जो रे आ रही है, वो सारी किसमें एब्जॉर्ब हो रही है, आयरन रॉड में। जब आयरन रॉड के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तब आयरन रॉड क्या हो जाएगी, गर्म, जिससे आप छू ही पाओगे, ठीक है ना? जब आप छूएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, जब जल जाएंगे तो फिर आप रोते फिरोगे, ठीक है ना? ये होता है एब्जॉर्प्शन। अब तीन चरण खत्म हो गए, यानी कि तीन मीडिया खत्म हो गए लाइट के, ठीक है ना? ये आपको समझना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा बोर्ड जो 10th बोर्ड है, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं 10th बोर्ड में, ठीक है ना? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, 10th बोर्ड में, यहीं से उठते हैं, ठीक है ना? चलो अब हम पढ़ते हैं, चलो अब हम पढ़ते हैं। मान लो तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज हो गई। चलो अब हम पढ़ते हैं इमेज, क्या पढ़ते हैं बच्चों, इमेज, ठीक है?
इमेज पढ़ते हैं तो इमेज, एक मिनट रुकना, इसका इमेज वाला पोर्शन। हाँ क्या पढ़ते हैं बच्चों? इमेज, ठीक है। इमेज क्या होती है भाई, कोई बता सकता है? इमेज अभी मत बोलना सर। इमेज यानी कि तस्वीर, जो तस्वीर दिख रही है वो इमेज हो गई है। इमेज होती क्या है, ठीक है ना? इमेज क्या होती है? इमेज अगर हम सीधी की सिंपल सी बात करें, इमेज इमेज एक एक ऐसी चीज होती है जो ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से जो चीज दिखती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब समझे, ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से जो चीज दिखती है, चाहे वो रिफ्लेक्शंस की वजह से दिख रही हो, चाहे वो रिफ्रैक्शंस की वजह से दिख रही हो, ठीक है ना? बोथ, चाहे वो रिफ्लेक्शंस की वजह से दिख रही हो, चाहे वो रिफ्लेक्शंस की वजह से दिख रही हो, ठीक है, उसके दोनों की वजह से, ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से जो दोनों चीज दिखती हैं उसी को क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इमेज का हम सीधी सी बात बोल देते, ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से जो जो चीज हमको दिखती है उसी को क्या बोल देते हम? इमेज, ठीक है। चाहे ऑप्टिकल अपीयरेंस में, चाहे रिफ्लेक्शंस की वजह से हो, चाहे वो रिफ्रैक्शंस की वजह से हो, ठीक है ना? दोनों की वजह से हो ये, चाहे रिफ्लेक्शंस की वजह से हो, चाहे रिफ्लेक्शन चाहे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के वजह से हो, ठीक है ना? उन दोनों कारण की वजह से जब ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो चीज सामने दिखती है उसी को क्या बोलते हैं? इमेज। यानी कि ये ऑप्टिकल अपीयरेंस, क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म, ठीक है। चाहे वो रिफ्लेक्शंस की वजह से फॉर्म हो रहा हो, चाहे वो रिफ्रैक्शंस की वजह से फॉर्म हो रहा हो, ठीक है ना? दोनों की वजह से फॉर्म हो रहा है उसी को बोल देते हैं इमेज, ठीक है ना? समझ में आ गया? इमेज मान लो, फॉर द एग्जाम्पल ले लेते, छोड़ते हैं, ठीक है ना, सारी चीजों को छोड़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो, हाँ आप लोग ड्राइविंग तो करते होगे ना, कार में ड्राइविंग करते होगे ना, ठीक है ना? कोई भी अगर लड़का हो, ठीक है, लड़का या लड़की हो बहुत, ठीक है ना, मैं किसी का मतलब कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? चाहे कोई भी मतलब कि वो मेल्स या फीमेल्स हो, ठीक है ना, अगर अगर जब भी कोई भी कार चलाता हो, ठीक है ना, जब उसके जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं ना, मिरर उसके साइड में मिरर लगे होते हैं ना, तो मिरर से आप देखते हैं ना कहाँ कहाँ पे कौन सा वाहन आ रहा है, कहाँ पे कौन सा वाहन आ रहा है, ठीक है ना? जब आपकी कार, ठीक है ना, जब आपकी कार चलती है, यानी कि 60, 40 या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब भी कार चलती है, जब आप पीछे देखते होगे ना, कौन सा भाई, कौन सा चीज आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, जैगुआर तो नहीं आ रही है पीछे से, मर्सिडीज मार्केट्स की बेंज तो नहीं आ रही है पीछे से, ठीक है ना? यही देखते हो ना भाई, हाई स्पीड कोई कार तो नहीं आ रही है पीछे से जो हमको पीछे से ठोक दे, ठीक है ना? अपनी साइड में चलते हो, ठीक है। जब आप उस मिरर में देखते होगे ना कि कहाँ पे कोई चीज है, ट्रैक कहाँ पे है पीछे, जहां पे आपको ट्रैक दिखता है, एक्चुअली वहां पे होता नहीं है, जहां पे आपको ट्रैक दिखता है गाड़ी की, मेरे गाड़ी के मिरर से, वहां पे वो ट्रैक नहीं दिखता है, जो जो आपके गाड़ी के मिरर में जो इमेज ट्रक की दिख रही है एक्चुअल, उस लोकेशन पे ट्रक की लुक वो इमेज नहीं होती है, उस पे नहीं हो करके थोड़े पीछे होती है, ठीक है ना? उसके नहीं होके थोड़े उसके साइड में होती है, ठीक है ना? इसलिए इसी की वजह से ही हमारा ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमको इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है ना? समझ गए ना? कभी भी गाड़ी, कभी भी आप मतलब भी कार चलाओगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल अपीयरेंस के फॉर्म्ड होने की वजह से इमेज हो रही है, क्रिएट हो रही है। चाहे अगर आप गाड़ी की मिरर में देखोगे, गाड़ी के साइड मिरर में देख लेना कहाँ पे ट्रैक है और कहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, खुद पता आपको चल जाएगा, ठीक है ना? कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इमेज, नहीं हाँ टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड मिरर, मिरर की वजह से कितने टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है? टाइप ऑफ इमेज फॉर्म मिरर, इमेज कितने टाइप की होती है, ठीक है? तो हम नॉर्मली अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में 10th लेवल की बात करते हैं, ठीक है ना? दो टाइप की इमेज चलती है उसमें, पहली तो चलती है रियल इमेज, दूसरी चलती है वर्चुअल इमेज। पहली कौन सी चलती है? रियल इमेज। दूसरी क्या चलती है? वर्चुअल इमेज चलती है। जो रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में अगर हम बात करें, रियल और वर्चुअल के बारे में अगर हम बात करें, तो जो रियल इमेज होती है, यानी कि इमेज टाइप नंबर फर्स्ट, इमेज का टाइप नंबर क्या है? पहला है जो रियल इमेज होती है। रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको हम पर्दे पे फॉर्म कर सकते हैं, क्या करते हैं? पर्दे पे दिखा सकते हैं। रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है
जिसको हम पर्दे पे डाल सकते हैं या पर्दे पे हम उसको दिखा सकते हैं, उस इमेज को, उसको क्या बोलते हैं, हम रियल इमेज बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आपके आपके ब्रेन में चलना होना चाहिए, फिजिक्स आपको दिखनी चाहिए सामने, आपको दिमाग में ही चलना चाहिए। अगर सर पर्दे की बात करें, पर्दे पे इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे पहुंचना चाहिए, आपका दिमाग कहाँ पे पहुंचना चाहिए, थिएटर पर, मूवी थिएटर। एग्जाम्पल हम मूवी थिएटर का ले लेते हैं, ठीक है ना। जितनी भी ऑल वर्ल्ड में जितनी भी मूवी थिएटर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी थिएटर होते हैं, उनके जो स्क्रीन पर्दे पे जो दिखाई देती है इमेज, वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है बच्चों। कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है ना। वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। जो भी पर्दे पे जो चीज दिखती है, ठीक है ना, पर्दे पे जो चीज दिखती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। यही लिखा है इसमें, इमेज विच इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी कि ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम थिएटर, मूवी थिएटर ले लेते हैं, हम मूवी थिएटर लेते हैं। अरे घर में थिएटर बना लो ना, घर में अगर मान लो घर में ही बना लो थिएटर, प्रोजेक्टर से मार दो तुरंत एक थिएटर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इमेज जो पर्दे पर फॉर्मड हो जाए उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। एग्जाम्पल मूवी थिएटर, सीधा सा सिंपल सा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा, जो वर्चुअल इमेज होती है, ऐसी इमेज होती है जो पर्दे पर फॉर्मड हम नहीं कर सकते। ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे पे फॉर्म नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे कि अगर अगर हम डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की अगर हम अकॉर्डिंग अगर बात करें, ठीक है, तो इमेज विच इज द फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि इस पूरे से लाइन का मतलब ये, ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे पे हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, फॉर्म्ड नहीं कर सकते, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। टेंथ में हमको सिर्फ दो इमेज पढ़नी पड़ती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, लेकिन हम दो और बता देते हैं इमेज को हम, ठीक है, और भी इमेज को बता देते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, रियल और वर्चुअल इमेज, ये दोनों तो पता चल गया ना, रियल वर्चुअल इमेज, ठीक है। इतना तो काफी है बोर्ड के लिए, ठीक है। रियल और वर्चुअल इमेज का आप लोगों को पता चल गया होगा ना, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। और हम तीसरे इमेज पढ़ते हैं। तीसरी इमेज का है इनवर्टेड। तीसरी इमेज कौन सी होती है, इनवर्टेड। इनवर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है, इनवर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इनवर्टेड इमेज का। मान लो हम किसी मिरर के सामने हो गए, यूं खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए ऐसे, हमको अपनी हाइट देखना है, ठीक है। और वो मिरर इनवर्टेड इमेज को क्रिएट करता हो, क्या करता हो, क्रिएट करता हो, तो भाई हम तो पागल हो जाएंगे। क्यों तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि भाई हम जो मिरर के सामने हो जाएंगे तो हमारा जो गर्दन होगी वो नीचे नीचे साइड दिखेगी, और जो हमारे पैर होंगे वो ऊपर साइड दिखेंगे। इनवर्टेड का मतलब ही है, इनवर्टेड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। ऊपर का से नीचे दिखना, नीचे का से ऊपर दिखना, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्टेड इमेज। इनवर्ट हो जाना, ठीक है ना, पलट जाना, इनवर्टेड, ठीक है। ये हो गई आपकी इनवर्टेड इमेज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चौथी इमेज कौन सी है, इरेक्ट। चौथी इमेज कौन सी है, इरेक्ट। इरेक्ट तो सबको पता होगा, ऊपर का से ऊपर दिखता है, नीचे का से नीचे दिखता है, ऊपर नीचे का से, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, गर्दन है वो गर्दन ही दिखेगी, वो हमारे जो पैर है वो पैर ही दिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पेट है तो पेट ही दिखेगा, पेट, ऐसा ना हो कि पेट मुंह के, पेट की जगह मुंह दिखे, मुंह की जगह पेट दिखे, ऐसा नहीं होता है। जो चीज हमको फिक्स दिखती है वही चीज फिक्स होती है, यानी कि गर्दन हमको दिख रही है तो गर्दन ही हमको, मतलब कि गर्दन ही दिखेगी, पैर नीचे तो पैर ही नीचे के नीचे साइड दिखेंगे, पेट बीच में तो पेट बीच में ही दिखेगा, ठीक है ना। ये होता है आपका इरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया ना। इमेज, इमेज क्या होती है, इमेज के टाइप, वर्चुअल, रियल, वर्चुअल, क्या बोलते हैं उसको, इनवाइटेड और इरेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें पता चल गई ना, हाँ भाई पता चल गई होगी अब तो। हाँ चलो अब हम पढ़ते हैं
ठीक है ना, मिरर के बारे में पढ़ लेते, वरना मिरर भाई बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि सर इमेज तो पढ़ ली लेकिन हमारे बारे में जिक्र नहीं कर पाया। तो मिरर के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि भाई मिरर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अब मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। मिरर क्या होता है? ठीक है, इमेज तो हमारी सारी खत्म हो गई है इमेज के बारे में। ठीक है, अब हमारी बारी आती है मिरर। मिरर क्या होता है हमारा? अरे आ जाओ यार। हाँ चलो, मिरर के बारे में स्टार्ट करते हैं। मिरर, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, मिरर लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ते, इसका मतलब क्या है मिरर का? मिरर का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, एक कोई ऐसी चीज जिस जो पॉलिश्ड सरफेस हो, ठीक है ना, पॉलिश्ड सरफेस हो, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो पॉलिश्ड सरफेस हो, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देते हैं हम? मिरर। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, अगर हम अकॉर्डिंग अगर बात करें, किसके अकॉर्डिंग बात करें, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो मिरर को हम किस इंटीग्रेट करते हैं, मिरर को हम किस कैटेगरी में इंटीग्रेट करते हैं? अगर हम मिरर को अगर रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर मान लो मैंने बोल दिया, अगर अगर ये बताओ मिरर इज द, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, मिरर गुड रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करता है या बैड रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करता है? चार, मैं चार आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उन चार क्वेश्चंस में बताना कौन सा गुड रिफ्लेक्शंस है, कौन सा बैड रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मिरर कौन सा गुड रिफ्लेक्शंस है कि बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है? दूसरा वॉल, वॉल क्या है, गुड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है कि बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है? तीसरा क्या है, टाइल्स, टाइल्स क्या है, गुड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है कि बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है? चौथा क्या है, इंक्यूब टिप, इंक्यूब टिप का मतलब समझे, वो आप कुछ ट्रांसफॉर्म वाला समझोगे ना, ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें बताएंगे, वो भी क्या करता है, गुड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है कि बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है? तो आइए, चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चंस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा गुड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन सा बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है? ठीक है, कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा गुड रिफ्लेक्शन, कौन सा बैड रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिरर की, ठीक है, मिरर क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, जितने भी पॉलिश्ड सरफेस होते हैं वो सारे क्या करते हैं, गुड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनमें सारे के क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइल्स की बात करें, तो टाइल्स क्या होते हैं, मिरर के कंपेरिजन में कम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्या करता है, कम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है मिरर के कंपेरिजन में। ठीक है, टाइल्स, अगर हम वॉल की बात करें, तो वॉल क्या होता है, बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, बैड रिफ्लेक्शन, कौन सा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। बैड रिफ्लेक्शन प्रोवाइड क्यों करता है, रीजन, ड्यू टू रीजन ये है, क्योंकि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वॉल पे, अगर जब भी लाइट फॉल होगी, तो उसमें कुछ ना वॉल क्या करती है, कुछ ना कुछ लाइट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया ना कौन सा गुड रिफ्लेक्शन है, कौन सा बैड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका मिरर। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम टाइप ऑफ मिरर हम अब आगे से करेंगे क्लियर। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ मिरर पढ़ेंगे, कितने प्रकार के मिरर होते हैं। लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं आप लोगों को, वो सारे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर है गुड रिफ्लेक्शन, बैड रिफ्लेक्शन। और जो मैंने अभी जो आप लोगों को जो स्टार्टिंग में जो थीटा वाला क्वेश्चंस बोला था, कि जब भी कोई भी इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड हो या फिर आपकी नॉर्मल रे हो, अगर सेम प्लेन में लाई कर रही है, अगर उसके एंगल को हम रोटेट करें, उसके प्लेन को ही हमने रोटेट कर दिया, तो उस केस में थीटा की जगह पे क्या चीज होगी। ठीक है ना, अब आपको ये भी बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग। ओके, ठीक है, धन्यवाद।